तो 1400 वर्ष पहले दुनिया में एक भी मुसलमान होगा क्या? 1400 वर्ष पहले मक्का में भगवान शिव का मंदिर था, जैसे यहाँ लिंग राजेश्वर है, और 1400 वर्ष पहले दुनिया में इस्लाम नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था, मक्का में शिव मंदिर था, तो बोलो 1400 वर्ष पहले अरबस्तान में कौन रहते होंगे? बोलो कौन रहते होंगे? जोर से बोलो कौन रहते होंगे? 2000 वर्ष पहले दुनिया में क्रिश्चियन नहीं था, दुनिया में क्रिश्चियन नहीं था, एक भी क्रिश्चियन नहीं था, तो बोलो 2000 वर्ष पहले यूरोप में कौन रहते होंगे? हिंदू। मुझे आपको बताना है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म ने, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म ने सृष्टि बनाई, सृष्टि चलाने के लिए परब्रह्म ने अपने सहस्त्र ज्योतिर्मय शरीर से ज्योतियां निकली, तो वह ज्योतियों का नाम टंकाधर महर थे, मानी वहां हमारे पुरखे थे। हम भगवान के सीधे वंशज हैं, हमारी जातियां भिन्न होगी, भाषा भिन्न होगी, हमारे प्रथम पुरखों को भगवान ने पैदा किया था और उनके पुरखों से संपूर्ण पृथ्वी भर गई थी, जहां जहां मानव था वहां महाभारत तक हिंदू था, भारत में तो हिंदू था, अरबस्तान भी हिंदू था, यूरोप भी हिंदू था, अमेरिका भी हिंदू था, ऑस्ट्रेलिया भी हिंदू था, सप्तखंड धरातल हमारी तलवार के नीचे था। मैं इसलिए इतिहास याद दिला रहा हूं, क्या आज अरबस्तान में हिंदू है? नहीं है। यूरोप में हिंदू नहीं है, उनका क्या हुआ? उनकी कत्ल हुई, उनको मारा गया, उनको कन्वर्ट धर्मांतरित किया गया, घर लूटे गए, दुनिया में 200 करोड़ लोगों को मारा गया, 100 करोड़ को यूरोप की धरती पर क्रिश्चियन बनाने के लिए मारा गया, 50 करोड़ हिंदुओं को अरबस्तान में मारा गया, 50 करोड़ हिंदुओं को भारत में, जैसे काला पहाड़ यहां आया था, हमारे पुरखे लड़कर मरे, वह मारे गए, कन्वर्ट हो गए, धर्मांतरित हो गए, घर लूटे गए। मेरा कहना है, कल भारत में हमारी जनसंख्या घटकर अल्पसंख्यक हो गए, माइनॉरिटी हो गए, तो क्या कोई हिंदू बचेगा? घर बचेगा, संपत्ति बचेगी? जो आंकड़े हैं उसके आधार पर अब 2 हिंदू, उनके बच्चे 2.5, बोलो 2 पति पत्नी के 2.5 बच्चे हो गए तो संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बोलो घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। तो अगले 50 वर्ष के बाद भारत में हिंदू घटकर 100 करोड़ से 50 करोड़ हो जाएगा, 20 करोड़ मुसलमान बढ़कर 70 करोड़, 5 करोड़ क्रिश्चियन बढ़कर 20 करोड़, देश की जनसंख्या 140 करोड़ रहेगी, 140 करोड़ में 50 करोड़ हिंदू, 70 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ क्रिश्चियन, बोलो हम किसी का घर बचेगा क्या? भारत अरबस्तान बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा, दुनिया की संपत्ति हमारे पास थी, यहां घी दूध की नदियां बहती थी, आज हम गरीब हैं, 17 करोड़ लोगों को 2 समय खाना नहीं मिल रहा है, 10 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है,
किसानों को फसल के दाम, धान के दाम नहीं मिल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, चीनी के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के सिलेंडर के दाम, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, दुनिया के समृद्ध लोग हम आज गरीब हैं। क्यों? हमारी समृद्धि लूटी गई है। कोई डकैत लुटेरा काला पहाड़ बंगाल से आया था, कोई डकैत अरबस्तान से मोहम्मद बिन कासिम, कोई अब्दाली आया था, घोरी आया था, गजनी आया था, बाबर आया था, कोई इंग्लैंड से पंचम जॉर्ज आया था। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, राम मंदिर आंदोलन हमने लड़ा, बोलो